दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में लाइक डिसलाइक जरूर करा करें। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी राशि के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर कहा जाए तो इनका प्यार सबसे हटकर बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही ईमानदारी और एक अलग अंदाज के साथ अपने पार्टनर के साथ पेश आते हैं। तो अगर आप इन राशि के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और वीडियो को देखने के बाद आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आइए फिर अब ज्यादा आपके समय को ना लेते हुए जल्दी चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, सिंह राशि के लोग अपने पार्टनर का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करते हैं। ये सुंदरता को काफी महत्व देते हैं और अपने जीवन साथी के चुनाव में तो बहुत ही ज्यादा गंभीरता रखते हैं। अब क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि एक बार अगर हम रिश्ते से जुड़ गए तो पूरी जिंदगी भर हमें इसे निभाना होगा, और साथ ही अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ये अपनी पहली प्राथमिकता समझते हैं और बहुत ही सच्चे दिल के साथ अपने साथी के साथ जुड़े रहते हैं। अब क्योंकि ये प्यार के साथ जल्दी खिलवाड़ नहीं करते और ना ही प्यार का मजाक बनाते हैं, तो इसलिए सामने वाले भी यही उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के लोग प्यार के मामले में थोड़ा संकोची होते हैं और ये अपने पार्टनर से जल्दी अपने दिल की बात नहीं कह पाते और ना ही ये अपने प्यार का इजहार सामने वाले से खुलकर कर पाते हैं। अब क्योंकि ये सामने वाले से कुछ बोलने से पहले ही अपने मन में पॉजिटिव बातों से ज्यादा निगेटिव बातों का ही जान बुन लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और यही कारण है कि इनको प्यार काफी देर में मिलता है। लेकिन ये भी है कि अगर इनको एक बार प्यार मिल गया तो ये अपने पार्टनर प्रति काफी गंभीर हो जाते हैं और ये अपने प्यार और रिश्ते को काफी महत्व देते हुए उसके साथ को भी जिंदगी भर निभाते भी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही छोटा सा वीडियो। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो आप भी अपने आसपास इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ इसे एक छोटा सा लाइक तो दे ही दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।